alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram nazreen, jaisa ki aap sabhi hazrat jante hain ki hamari riyasat Telangana ke azla mein in dinon municipal election ki taiyariyan bade shor se jari hai. Hukumat ki janib se bade paimane par intizamat bhi kiye ja rahe hain. और मैं आप हजरात को दो तीन अहम बातें बताने के लिए आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ. पहली बात तो ये है कि गुज़िश्ता चंद सालों से म्युनिसिपल इलेक्शन के मौके पे हमारे बहुत सारे मुस्लिम अक्सरियत तबके से ताल्लुक रखने वालों को देखा यह गया कि वो लोग इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने से पीछे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इस अहम मौके से भरपूर फायदा उठाए और जिस जिसका जो वार्ड है वो अपने अपने वार्डों से किसी भी सूरत में इन इंतखाबात में हिस्सा ले. ऐसा ना हो कि दूसरी जानिब से कोई ठहर रहा है और हम मुसलमान हैं, लोग क्या कहेंगे, हमें पीछे हट जाना चाहिए. ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए और इस मामले में हम मुसलमानों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए. आज हम मुसलमानों की आवाज को ऐवानों तक उठाने के लिए ये बेहतरीन मौका है. देखिए गुज़िश्ता सालों में मेडक म्युनिसिपैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कम तबके के लोग, माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग म्युनिसिपल में पहुंचे हैं काउंसलर बनके. तो ये जो मौका है, इन दिनों जो तैयारियां हो रही है, ये म्युनिसिपल इलेक्शन की तैयारियां, और इस मौके से हमें से हर एक को फायदा उठाना चाहिए और हमें से हर एक को चाहिए कि हम इस म्युनिसिपल इलेक्शन में हिस्सा लें. देखिए हार जीत अल्लाह के हाथ में, अगर हमारे मुकद्दर में हार जीत रहेगी हम जरूर कामयाब होंगे, अगर हमारे किस्मत में जीतना रहा तो अल्लाह ताला हमको जरूर कामयाब करेंगे, और अगर हमारे मुकद्दर में नाकामी रही तो अल्लाह ताला हमको जरूर नाकामी से गिनार करेंगे. लेकिन हमको मायूस नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई पार्टी जिस पार्टी से हमारा ताल्लुक है, अगर हमको वो पार्टी टिकट नहीं दे रही है हम कोई और पार्टी से करेंगे, और कोई पार्टी भी हमको अगर टिकट नहीं दे रही है तो इंडिपेंडेंट यानी हम अपने तौर पे गर्व से नफी खुद ठहर सकते हैं. ये जो एक ऑप्शन है ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, इससे हमको फायदा उठाना चाहिए. ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग कोई पार्टी अगर टिकट नहीं दे रही तो हम मायूस हो जाते हैं और फिर इंतखाबात में मुकाबला करने से पीछे हट जाते हैं. ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए. और मैं न सिर्फ मेदक जिले की आवाम से बल्कि तेलंगाना रियासत के सारे डिस्ट्रिक्ट की आवाम से मौजूदा अपील रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फरियाद कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि हम इस अहम मौके से फायदा उठाते हुए हम आगे बढ़े, इन म्युनिसिपल इलेक्शन में हिस्सा लें. अब देखिए पैसों का जो मसला होता है, बहुत सारे लोग अपनी छोटी छोटी मामूली बातों की वजह से, कोई अपने घरेलू मसाइल की वजह से, कोई पैसों की वजह से, कोई जाति दुश्मनी की वजह से, कोई किसी और डर की वजह से इन म्युनिसिपल इलेक्शन के पीछे हट जाते हैं, हिस्सा नहीं लेते. तो उन्हें चाहिए कि वो इस मौके से फायदा उठाए और जरूर म्युनिसिपल इलेक्शन में हिस्सा लें और जरूर मुकाबला करें. देखिए अगर हम कामयाब हो जाएंगे तो हम इस बात का अज़्म मुसव्वम करें कि हम जरूर अवाम की खिदमत के लिए अवाम की खिदमत करेंगे. गुज़िश्ता सालों में मेदक म्युनिसिपैलिटी में बहुत सारे मुस्लिम अहबाब जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, उन्होंने अपने अपने वार्डों में जो कुछ कारनामे अंजाम दिए हैं वो हमने सहरिये के सामने. लेकिन जरूरत इस बात की है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल अभी भी टाउन के कई वार्डों में मौजूद है, बहुत सारे बल्कि वार्ड है जहाँ पे काम, तरक्या के काम, डेवलपमेंट काम बिल्कुल ही नहीं है. तो जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान अपने मसाइल के हल के लिए, अपने इलाके के मसाइल के हल के लिए, खुद अपने मसाइल के लिए ऐवानों तक पहुंचने के लिए एक बेहतरीन हथियार है, एक बेहतरीन मौका है, इससे भरपूर फायदा उठाएं. मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें से एक को कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो हजरात म्युनिसिपल इलेक्शन में हिस्सा लेने से पीछे हट रहे हैं और जो मायूसी का शिकार है, मैं उनसे अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि हम उनकी खिदमत के लिए तैयार है, हम उन्हें हमारे से जितना मदद हो सका हम उनकी मदद के लिए हम आगे बढ़ेंगे, हम उनकी
امدادات کی تیاری ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے طور پہ پوری طریقے سے تیار ہو جائیں. آمین.